नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GS विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6:15 पर आपके लिए एडिटोरियल करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाई जाती है, जिसमें हम वार्षिकांक 2022 को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जून 2021 से लेकर मई 2022 तक का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तथा इसके अलावा डेली शाम को 6 बजे GS की प्रैक्टिस सीरीज लाई जाती है, जिसमें हम लेखपाल एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आइए, एडिटोरियल करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 9 आज हम लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च करने का फैसला किया है? तो आप जानते हैं, हाल ही में रूस तथा यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध के बाद में तमाम सोशल साइट्स हैं वो रूस में बंद कर दी गई हैं। तो इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम चालू करने का जो फैसला किया है इस युद्ध के पश्चात, रूस ने किया है इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम, रूस। हाल ही में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो योग महोत्सव 2022 का जो उद्घाटन किया गया, ये सर्वानंद सोनेवाल के द्वारा किया गया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित हैं? निम्न में से कौन है जो सुमेलित हैं? गीता पिरामल की पुस्तक है राहुल बजाज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। बजाज ग्रुप के व्यक्ति रहे राहुल बजाज, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो उनके ऊपर गीता पिरामल के द्वारा बुक लिखी गई है। अभिनव चंद्रचूड़ सोलो सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, तथा डॉक्टर तेहमटन एराज उड़वाडिया के द्वारा मोर देन जस्ट जर्नी सर्जरी, मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी, ये पुस्तक लिखी गई है। तो इस प्रकार हम देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में 250 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं? किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने हाल ही में वनडे मैचों में 250 विकेट पूरे किए? आंसर होगा बी झूलन गोस्वामी, जिसने भी बी आंसर किया है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी सफल हों और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है, ये कहाँ लॉन्च किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? तो 44वें FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? आंसर होगा सी चेन्नई। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर जो है, ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी भूटान और डी श्रीलंका। आंसर होगा डी श्रीलंका। बिम्स्टेक शिखर 2022 की जो मेजबानी करेगा वो भारत करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ। रुपया बांधा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? देखिए, यहाँ पूछा गया है निधन के संबंध में कौन सुमेलित है, यहाँ निधन पूछा गया है, निधन के संबंध में कौन सुमेलित हैं? दसवां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, हाल ही में किसका निधन हुआ है? रुपया बांध जो है आपके, इनमें निधन देखने जाएंगे तो निधन जो हुआ है आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदबेन जोशी, इनका निधन हुआ है। तो सुमेलित कौन सा है इसमें? इसमें केवल बी सुमेलित है। IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आंसर बी 56वां। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? तो गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया? डांग, कच्छ, भावनगर या गांधीनगर? तो आंसर होगा ए डांग। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है?
इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और बिल्कुल ठीक। इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां है। दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे, दोनों ही ठीक हो जाएंगे। तो आंसर होगा सी, दोनों कथन सही हैं। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है? इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा, बिल्कुल ठीक। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया। तो दोनों ही क्या है, दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाते हैं। आंसर होगा सी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इनका संबंध किस देश से है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का देश पूछा गया है, प्रमुख फुटबॉलर हैं ये विश्व के, और ये किस देश से संबंधित हैं? तो आंसर होगा सी, पुर्तगाल। 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाल। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड द अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के जो लेखक हैं ये हैं रचना विष्ट रावत। आंसर होगा रचना विष्ट रावत। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? आंसर होगा बी, मुंबई। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? आंसर होगा बी, दुर्गा पूजा को। दुर्गा पूजा को। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है? तो अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है जो रूस के द्वारा बनाई गई है? आंसर होगा द चैलेंज। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? ऑटोमेटिक एंड ड्राइवरलेस ट्रेन किस देश में लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई है जर्मनी में। 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो हाल ही में एयर इंडिया को जो है इसका विक्रय कर दिया गया है भारतीय सरकार के द्वारा, और इसकी बोली लगाई गई है 18,000 करोड़ रुपए। तो एयर इंडिया को 18,000 करोड़ की बोली लगाकर किसने खरीद लिया है? आंसर होगा ए, टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप ने। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना? आंसर हो जाएगा सी, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक। किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? किस मंत्रालय ने के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? आंसर होगा बी, आयुष मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है? केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं की स्थापित करने की योजना है? आंसर हो जाएगा ए, चार। आंसर हो जाएगा ए, चार। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय जो है ये GDP का कितने प्रतिशत होने का अनुमान है, कितने प्रतिशत होना इसका अनुमान लगाया गया है? चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने, आप देखेंगे और आंसर करेंगे। आंसर होगा डी, 2.9%। आंसर हो जाएगा डी, 2.9%।
वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की, जिसका नाम है वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाता है बी विक्रम फर्स्ट। आंसर होगा बी विक्रम फर्स्ट। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा? 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा? आंसर होगा 36.1 मिलियन टन। 36.1 मिलियन टन। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? आंसर हो जाएगा डी तमिलनाडु। 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया? 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किस महिला की नियुक्ति की गई? आंसर हो जाएगा सी सूजन अर्नोल्ड। सूजन अर्नोल्ड। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया? निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? आंसर होगा बी भारत। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन हैं? पुस्तक 400 डेज के जो लेखक हैं ये हैं चेतन भगत। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया? आंसर होगा पोचमपल्ली तेलंगाना। पोचमपल्ली तेलंगाना। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपने राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? आंसर हो जाएगा केसर ए हिंद। केसर ए हिंद। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की? तो भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की? आंसर होगा ए बांग्लादेश। बांग्लादेश को 1971 में भारत की सहायता से आज़ादी प्राप्त हुई थी, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है आमार सोमनार बांग्ला वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं कौन कौन से कथन दिए गए हैं। पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल ठीक। भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में 2रा स्थान प्राप्त किया, ये भी ठीक हो जाएगा। तो आंसर होगा सी दोनों कथन सत्य हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों में सही अवरोही क्रम किसका है? तो ये हो जाएगा सबसे अधिक है मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद उड़ीसा। तो आंसर होगा सी। आंसर हो जाएगा सी। वर्ष 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? ए भारत। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया ये प्रकाश पादुकोण को दिया गया। ये प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं और मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पिता भी हैं प्रकाश पादुकोण, जिन्हें हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। नवंबर 2021 में आयोजित DGP IGP का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ?
आंसर होगा ए लखनऊ। आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? आंसर होगा डी डेविड वॉर्नर। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर डेविड वॉर्नर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड ट्रिपल पी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना? तो भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड ट्रिपल पी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन जो बना है ये है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। आप बताएंगे ये कहाँ स्थित है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को हाल ही में आईएसओ सर्टिफाइड ट्रिपल पी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन बनाया गया, ये कहाँ स्थित है? किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? आंसर होगा ए जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल को। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? तो भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की जो थीम थी विषय था वो था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम क्या है? तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का जो परीक्षण किया गया इसका नाम है विक्रांत। आंसर हो जाएगा सी विक्रांत। मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का जो पहला देश बना है ये है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया? तो भारतीय मूल की कौन सी महिला है जो अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुनी गई हैं? आंसर होगा बी वनिता गुप्ता। वनिता गुप्ता। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? तो ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक है, जबकि अगर देखा जाए कि कौन सा अधिनियम बना तो 105वां अधिनियम बना, 105वां अधिनियम 2021। और इसके अनुसार राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार इसके द्वारा प्रदान किया गया। वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी जो है दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई। आज का अंतिम क्वेश्चन। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर जो है ये मध्य प्रदेश का इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, इसे भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।